नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन श्री सीएस सेठी ने 28 अगस्त को स्टेट बैंक के नए चेयरमैन के रूप में कार्यभार संभाला और उनके नेतृत्व में अब उम्मीद की जाती है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक अब नए उच्च स्तर पर पहुंचेगा। हाल ही में उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा कि स्टेट बैंक में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस करने की क्षमता है, लेकिन उनके पास अभी टैलेंट उतना नहीं है, एक्सपीरियंस्ड लोग नहीं है जो कि प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में बढ़ चढ़ करके स्टेट बैंक का शेयर बढ़ाएं। स्टेट बैंक एक मल्टीनेशनल बैंक के बराबर है, तो स्टेट बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में देश के विकास में काफ़ी योगदान देता रहा है और अच्छा योगदान दे सकता है अगर उसके पास स्किल्ड वर्कफोर्स हो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए और उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी हो, तो स्टेट बैंक और अच्छा रोल प्ले कर सकता है भारत के आर्थिक विकास में। दोस्तों, श्री सी एस सेठी के चेयरमैन बनने के बाद अब जो एक मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट खाली हुई थी, उस पोस्ट के लिए नए मैनेजिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कल घोषित कर दिया गया है और उनका सिलेक्शन कर दिया गया है। उनका नाम है रामा मोहन राव अमारा, जो कि स्टेट बैंक के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे और उनको 9 कैंडिडेट के इंटरव्यू के बाद फाइनली सेलेक्ट किया गया है। फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो FSIB द्वारा कल सोमवार 2 सितंबर को इसकी घोषणा की गई है। जैसे कि आपको मालूम है कि स्टेट बैंक में 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जिनकी अब पोस्ट पूरी फिलअप हो गई है और इन मैनेजिंग डायरेक्टर्स के नीचे डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं और ज़्यादातर जो स्टेट बैंक में आज तक मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट पर इनसाइडर ही प्रमोट किए जाते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन काफ़ी कैंडिडेट के इंटरव्यू के बाद होता है जिसका कि कई पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें कि सीनियरिटी भी होती है, उनका एक्सपीरियंस होता है, उनका पास्ट रिकॉर्ड होता है और उनकी रिजिलेंस क्लियरेंस इत्यादि सब शामिल होते हैं। उन पैरामीटर में जो खरा होता है उसको फाइनली सेलेक्ट कर दिया जाता है। अब इस सिलेक्शन को अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा ही इसका फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। और जैसे कि आपको मालूम है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में टॉप लेवल की जितनी भी पोस्ट होती हैं वो सिलेक्शन बेसिस पे होती हैं और उसमें जितना भी पॉलिटिकल हेड्स होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हेड कर रही है, वो अपने हिसाब से ही उन कैंडिडेट्स का प्रमोशन करती है, उनको वहाँ पे सेलेक्ट करती है ताकि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को आगे बढ़ाएं, क्योंकि स्टेट बैंक सरकार का सबसे बड़ा बैंक है और स्टेट बैंक का दायित्व और बैंकों के मुकाबले ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका जो नेटवर्क है वो पैन इंडिया है और सरकार को उम्मीद रहती है कि जो भी उसकी पॉलिसीज होंगी उनको इम्प्लीमेंट करने में स्टेट बैंक का काफ़ी बड़ा रोल होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जनधन के खाते खोलने में स्टेट बैंक सबसे आगे था। जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात की जाए तो वो जनधन के खाते या जो प्राइवेट सेक्टर के स्कीम्स होती हैं उनको उतनी अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते जितने कि स्टेट बैंक करता है और बाकी PSU बैंक करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा, आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। यदि और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित, बैंक स्कीम के बारे में या गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।